संसार की अनित्यता को जो नित्य समझे, बुद्ध उसे लापरवाह मूर्ख कहते हैं। मूर्ख वह व्यक्ति जो नित्यता समझकर संसार की तृष्णाओं और वासनाओं का पीछा करता है और अपने इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके चला जाता है। बुद्ध उसे लापरवाह मूर्ख कहते हैं। अनित्यता इस जगत की, जिसमें सब कुछ ही चलायमान है, अनित्यता जब पल पल सब कुछ ही बदल रहा है और मूर्ख व्यक्ति उसको नित्य समझकर यहाँ सब कुछ इकट्ठा करने की दौड़ में लग जाता है और भूल भी जाता है कि इस अनित्य जगत में वह बहुत दिनों तक रहने वाला नहीं, क्योंकि अनित्यता तो पल पल बदल रही है, अनित्यता तो पल पल नष्ट हो रही है और अनित्यता की कुछ भी यहाँ शाश्वत नित्य सदा के लिए रहने वाला नहीं। इसलिए लापरवाह मूर्ख बनने के बजाय बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान वह जो अपने बारे में सोचता है, बुद्धिमान वह जो इस संसार की अनित्यता को, नश्वरता को अच्छी तरह से समझकर यहाँ से ऊपर उठने के लिए प्रयासरत है। बुद्धिमान वह जो अपने को ऊपर उठाए इस संसार से, इस जंजाल से, इस भवलोक से, जो अपने को ऊपर उठाने का निरंतर प्रयत्न करता है, बुद्ध उसे बुद्धिमान कहते हैं। और मूर्ख जो इस अनित्य जगत को नित्य समझकर यहाँ बड़े बड़े महल, बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े भवन निर्मित करता है, जो वासनाओं के वश में होकर यहाँ खूब भोग करता है और जब मृत्यु का समय आता है तो वह व्यक्ति रोता है, पछताता है और सर पीटता है, लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता, क्योंकि अनित्यता को नित्यता समझना सबसे बड़ी मूर्खता भी है और लापरवाही भी। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो अनित्यता को नित्यता समझे और जो बुद्धिमान नहीं, जो लापरवाह है, जिसने बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में नहीं समझा, जिसने उपदेशों पर अपने जीवन को नहीं लगाया, जिसने बुद्ध के उपदेशों का सार अपने जीवन में नहीं उतारा, जिसने इस अनित्य जगत को नित्य समझकर यहाँ खूब लापरवाही की, यहाँ सदा के लिए रहने के इंतजाम किए, उस व्यक्ति को बुद्ध लापरवाह मूर्ख कहते हैं। बुद्ध के समय की ही बात है कि एक धनी ब्राह्मण था, आयु काफी हो गई थी, उसे संसार की अनित्यता का कुछ भी ध्यान न था। यह सोचकर कि वह लंबे अरसे तक जीता रहेगा, उसने अपने लिए एक बड़ा मकान बनवाया था। भगवान को आश्चर्य हुआ कि जो आदमी मृत्यु के इतना समीप है, उसने अपने लिए इतने अधिक कमरों वाला इतना बड़ा मकान क्यों बनवाया है। उन्होंने आनंद को उस धनी ब्राह्मण के पास भेजा कि उसे चार आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग का उपदेश करें। ब्राह्मण ने आनंद को अपना घर दिखाया और इतने अधिक कमरे बनवाने की उपयोगिता समझाई
उसने आनंद द्वारा दिए गए बुद्धोपदेश को कुछ भी महत्व नहीं दिया। तब आनंद ने कहा कि मूर्ख आदमी यही सोचता रहता है कि मेरे पुत्र कलत्र हैं, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरे बड़े बड़े भवन हैं, मेरे महल हैं, मेरे पास इतना सोना चांदी धन धान्य है, लेकिन जब उसका अपना आप ही उसका नहीं होता तो कहाँ के पुत्र कलत्र और कहाँ का धन। सांसारिक लोगों के लिए चिंता के अनेक कारण होते हैं, लेकिन उन्हें अपने परिवर्तनशील भविष्य का कुछ भी पता नहीं रहता। यह कहकर आनंद वहां से विदा हो गए। आनंद विदा हुए ही थे कि उस बूढ़े पर मिर्गी का आक्रमण हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जो शिक्षा कामी है उनके लिए भगवान बुद्ध ने कहा कि मूर्ख आदमी चाहे बुद्धिमानों की संगति में भी रहे तो भी सद्धर्म के रस को नहीं जानता, ऐसे जैसे करछी सूप के रस के स्वाद को नहीं जानती। वह केवल अपनी ही चिंता करता है और सदुपदेश, बुद्धोपदेश और सद्धर्म तक की परवाह नहीं करता, इसलिए वह अपना भला ही नहीं कर सकता। बुद्ध के इन वचनों को समझकर, सुनकर हमें अपने जीवन को, इस बहुमूल्य जीवन को जरूर सद्धर्म की तरफ, सदुपदेश को समझकर उनको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है और बहुत कम समय के लिए है। अनित्यता इस संसार की सच्चाई है और इस अनित्यता को ही जिसने जीवन का सब कुछ समझ लिया, इस अनित्यता को ही जिसने नित्यता समझ ली, जिसने यहाँ सब कुछ ही बटोर कर इस जीवन को भोग लेने की इच्छा रखी, उसको दुख से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि एक दिन इसी धनी ब्राह्मण की तरह मृत्यु का सामना करना ही होगा। और जब भी मृत्यु सामने आएगी सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ ही छोड़ कर जाना होगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ से कुछ भी ले जा नहीं सकता, यहाँ तक कि अपने कुछ भी जो कुछ इकट्ठा किया हो, कुछ भी जो इस शरीर के रंगरोगन के लिए रखा हो, कुछ भी जो इस शरीर को ढकने के लिए रखा हो, यहाँ से नंगे पांव ही जाना होता है। और सभी बादशाह, सभी राजा महाराजा यहाँ से नंगे पांव ही गए। जीवन भर उन्होंने चाहे जितने भी स्वर्ण रजित जड़ित और रत्नों जड़ित वस्त्र पहने हों, भला स्वर्ण जड़ित सिंहासनों पर वो बैठे हों, स्वर्ण सिंहासनों पर वो बैठे हों, भला स्वर्ण मुकुट उन्होंने पहने हों, भला लेकिन मृत्यु के समय सब कुछ ही चला जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह वही है जो सद्धर्म के रस को पी लेता है, जीवन के रहते रहते बुद्धिमानों की संगति में, बुद्धोपदेशों को सुनते हुए बुद्धों की संगति में सद्धर्म के रस का पान करता है। ऐसे ही नहीं कि जैसे करछी
सूप के रस को नहीं जानती, ऐसे नहीं, वह केवल अपनी ही चिंता नहीं करता, अपनी ही चिंता नहीं करता, बल्कि इस अनित्य जगत से ऊपर उठने का प्रयास करता है। और सदुपदेश, धर्मोपदेश, बुद्धोपदेश और सद्धर्म को अपने जीवन का अमूल्य अंग समझकर उनके ऊपर लगातार चलने का प्रयत्न करता है, वही व्यक्ति इस अनित्य जगत से शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होता है। एक दिन शाश्वत सत्य को पा जाता है, वह परवाह नहीं करता, वह अनित्य जगत की परवाह नहीं करता, वह अपने इकट्ठे धन की परवाह नहीं करता, वह तो परवाह करता है कि मौत कभी भी आ सकती है और मृत्यु से पहले पहले जिसने भी इस जीवन का सार जाना, जिसने भी इस जीवन को समझा, उसी ने यहाँ से ऊपर उठने का प्रयत्न किया है, उसी ने यहाँ से इस भवलोक से मुक्त होने का प्रयत्न किया है और वही इस भवलोक से मुक्त हुआ भी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अपना भला करना चाहिए और अपना भला यही है कि वो सद्धर्म को, सदुपदेश को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना ले। नमो बुद्धाय।